చిన్నమన్ను నిర్మల్ బాబు కహి మౌలానా దుష్మనో కి తబీయత్ కుచ్ నాసాజ్ హై క్యా జవానీ కి కసమ్ బిల్కుల్ ఠండా హో గయా హూం నిర్మల్ బాబు ఖుదా కి కసమ్ ఆప్ తో ఐసే గాయబ్ హుయే కైసే గడ్డే కి సర్ సే జీ ఘబరాయే నీ మౌలానా ఆ గయా హూం ఇత్మినాన్ సే బాతే కరేంగే సుంతే రహో సర్కుదార్ కిత్నా ప్యారా బచ్చా హై हेलो निर्मल हेलो डॉक भाई तुमने तो जाकर हद कर दी कॉलेज कब से खुल चुके हैं और आप हैं कि छुट्टियां मना के अब आ रहे हैं कुछ न पूछिए डॉक्टर साहब आने से चंद रोज पहले माता जी को दिल का दौरा पड़ गया अरे अरे अब तबीयत कैसी है भगवान की दया सब अच्छी थैंक्स गॉड थैंक्स गॉड मैं भी सोच रहा था कि आखिर मामला क्या है अरे अरे डॉक्टर साहब ये अपनी या चक्रवर्ती साहब के यहाँ कोई म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस है क्या अरे नहीं यार वो चक्रवर्ती साहब तो कब का फ्लैट छोड़ चुका है ये साजो सामान सुना है यहाँ कोई स्टेज एक्ट्रेस आकर रहने वाली है स्टेज एक्ट्रेस बड़ी रंगीन पड़ोसन मिलने वाली है आपको क्या बात है अरे डॉक्टर साहब किस्मत हमारे साथ है जलने वाले जला कर अच्छा निर्मल ओके ओके डॉक्टर नमस्ते नमस्ते
ब्यूटीफुल बेबी। मुंबई में तो गाड़ी चलाने से पैदल चलना अच्छा है। करेक्ट, इसीलिए तो अपन गाड़ी नहीं लिया। ओके। केला खाएगा से? केला खाएगा? ये तो कोई बात हुई मात से पेड्रो, लाओ। क्या हुआ? और दिखते हुए बालू से वाले के मारे कैसा मारेगा। अरे मेरी गर्म पैक होता, अब आगे को गेला पीछे को गेला, और टूडू टू का बच्चा, हम तेरे मुंह पे मारेंगे तो कैसा लगेगा तेरे को? वंडरफुल। आप बेकार नाराज हो रही है मेम साहब, ऐसी भूल चुप तो हो ही जाती है, मुझसे होगी आपसे हो सकती है। वैसे रुमाल से मुंह पोंछ जाइए बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो तुम बाद नहीं आओगे? कैसे? अरे चाहते तो फौरन यहाँ से चले जाओ। वरना? वरना भी पुलिस को बुलाते हैं। जी मिली थी तो बुला लीजिए। ओह कैसा आदमी है रे? पेड्रो। पेड्रो जी।
तो तुम नहीं जाओ? जी नहीं। देवी देवी जी, वो रही मकान के मालकिन। ओ लेडी लैंड जी। लेडी लैंड जी नहीं, लैंड लेडी जी। ये शट अप। तुम आपसे मिस माला, मिसेज मेहता, मैंने समझा था आपके बिल्डिंग शरीफों के रहने की जगह है। मुझे नहीं पता था यहाँ गुंडे आसानी से चले आते हैं। गुंडा? ये क्या खड़ा है आपके सामने? जी जी, ये रास्ते से मेरे पीछे लगा है और इसकी हिम्मत तो देखिए, बार बार धमकाने पर भी यहाँ पर तक बेहद के आ गया है, जैसे कि इसका अपना घर थी। ये तो अपना जुर्ना किराएदार मिस्टर निर्मल है, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है, बड़ा हाई फैमिली का स्टूडेंट है। मिस्टर निर्मल, ये है इस्तेमाल अपना नवा टाइम। नमस्ते। मुझे नहीं पता था कि आपने इतनी हाई फैमिली के किराएदार रखे। कम ऑन मेरी। यस बेबी। थैंक यू मिसेस मेहता, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बैठो। बात है, देखिए यहाँ रहना तो ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ये आधी रात में नाच और गाना। क्यों? कोई तरीका है शरीफों का? अकेली देख कर चले आए तंग करने? सुभान अल्लाह, चिकनी सूरत देखते ही आंखें बदल गई। अरे जिंदगी बदल गई। खुद तो हमसे कहा जाके झगड़ा करो और अब आगे हीरो बनकर। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है झगड़ा करने या कराने की या हीरो बनने की? मैं तो ही सबकी बात सुनूंगा। बड़े आज अच्छा बनकर लैंडलेडी से बात करेंगे। जाइए जाइए कर लीजिए बात लैंडलेडी से। हम भी देख लेंगे। जाइए जाइए। बड़े ही वाहियत लोग हैं माला देवी, लेकिन आप फिक्र कीजिए, जब तक मैं मौजूद हूँ ये लोग आपका कुछ। सेठ, दरवाजा बंद हो गया। कोई बात नहीं, एक दिन जरूर खुलेगा। हेलो मेरी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अपने गर्लफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड का बच्चा तुम इधर कैसे आया? आपका जगह है मेरी, तेरा जगह हम बताती है। किधर है? इधर आ, कमल इधर लाइन में खड़ा हो जा। मैं आगे बढ़ा तो तेरा चंगली तोड़ देगा। आगे बढ़ा तो बोला तो हम खड़ा हो गया। अब हंसता नहीं है ना? नहीं रे मेरी, इधर ही खड़ा रहो ना। तुम बोलते तो हम खड़ा हो जाता। चंगली तू बोला, चंगली तू, चंगली तू। मेरी घंटी आपने बजाई? जी नहीं, लेकिन आपने मेरी घंटी जरूर बजाई है। नॉनसेंस। गुड मॉर्निंग। बात यह है मिस माला के, हमारा झगड़ा तो रहा है एक तरफ, लेकिन एक और झगड़ा उपस्थित हो गया है। वो यह है कि इस बिल्डिंग के रहने वाले आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और मैं आपको होशियार करना चाहता हूँ। यानी कि मेरा मतलब यह है कि आपको ये रात के हंगामे बंद करने पड़ेंगे। आई मीन टू से ये नाच गाने के प्रोग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए मिस्टर, ये मेरा घर है, इसका मैं किराया देती हूँ। इस चार दीवारी में मेरी जो मर्जी हो मैं करूँगी और आपको मुझे खबरदार करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती और आइंदा मेरी घंटी बजाने की तकलीफ न कीजिएगा, समझे? खटमल, खटमल कहाँ से आया? यही तो हैरत है कि इस बिल्डिंग में खटमल कहाँ से आ गया? फ्लिप से मार डालो नी जी, यही करूंगी। दिक्री, मेरी तुमको एक रिक्वेस्ट है, तुम रात को नाच गाने की प्रैक्टिस करती हो तो सारा बिल्डिंग वालों को डिस्टर्ब होता है, सुबह के टाइम में करो नी। दरअसल बात यह है कि बिल्डिंग वाले जरा बदतमीजी से पेश आए थे
जिस वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। आप चिंता मत कीजिए, आज रात में रिहर्सल नहीं होगा। थैंक यू बिक्री, थैंक यू। सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। ये क्या बकवास है? खटमल हाजिर है मेम साहब, खून की प्यास बुझा लीजिए। ये खटमल मारने के लायक भी नहीं। तो पाल लीजिए। शट अप। शांति शांति ओम। माय गुडनेस, कितने जोर से मेरा खोपड़ी फूला है। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी, व्हाट सॉरी बेबी, मेरा मुंडी फोड़ के अभी सॉरी बोलता है। सॉरी। ए पेड्रो, अंदर। आना मेरी जान, ठंडे से ठंडे खाना मुझे के अंडे, आना मेरी जान, ठंडे के ठंडे खाना मुर्गे के अंडे। पेड्रो जल्दी नाश्ता ले आओ, देर हो रही है। लाया। आना मेरी जान, ठंडे के ठंडे। अरे ओ पेड्रो के बच्चे, नाश्ता तैयार है या नहीं? मैंने कहा नाश्ता तैयार है या नहीं? अभी होता है सेठ। पेड्रो लगवा मशीन। नाश्ता लाते हो या मैं जाऊं? लाता लाता सेठ, पगार बढ़ाता नहीं, रोटी डबल मांग। तुम्हारी मेहरबानी से रोज कॉलेज देर से पहुंचता हूं। फोन है जी। ठीक है, मुर्गे का अंडा फ्राई के रहे थे, मतलब खेजा फ्राई हो गया। ये दूध तो पी लो। आप शौक फरमाइए, आज से मैं कैंटीन में जाना क्या करूंगा। थैंक यू सर। व्हाट सॉरी। ऊपर कैसे आ गया? लिफ्ट इसीलिए बना है मेम साहब, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है। तुम्हारा सर? वो हमेशा ऊपर रहता है। ओ सॉरी। हेलो निर्मल। हेलो रॉक। हेलो माला, कहाँ जा रही हैं आप? फाइनल रिहर्सल पर, क्योंकि आज शाम को मेरे डांस का प्रीमियर है। तो फिर आप भाभी को लेकर आ रहे हैं ना? भाभी? भाभी तो शायद ना आ सके क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं, बाकी मैं जरूर आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आप शाम को जरूर आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। श्योर श्योर। सुनिए, बजाय पीछे के अपनी आया को आगे रखा कीजिए। वो क्यों? इसलिए कि पुराने जमाने की लड़ाइयों में हाथी पहुंच के आगे हुआ करते। शट अप। थैंक यू। आप डिस्पेंसरी से दवा ले लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। मैं डांस का शो देखने जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊंगा। हेलो डॉक्टर कपूर। यस डॉक्टर कपूर स्पीकिंग। मैं कमिश्नर साहब के बंगले से बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब? जी हाँ, उनको दिल का सख्त दौरा पड़ गया है। दिल का दौरा? जी हाँ, आप फौरन चले आइए। मैं अभी आऊँ।
मेरी क्या सच तुम हमको शो देखने को बुलाया है? हाँ रे जरूर। और क्यों? समझ गया, अपन का भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया। सच बोलता है पैदल? एकदम सच बोलता है। अरे बाप रे, मेरी तुम्हारी मेम साहब सर फोर नंबर रूम में है, वो सामने रहा। ओ मेरी, अपन घर जाता, अपन तुम्हारा शो नहीं देखता। अरे काय को जाता रे नहीं, अभी हम घर जाता, सेठ ने देख लिया तो हमारा आमलेट बना देगा। अच्छा बाबे बेबी साठा मैं स्वीट हार जाता रे पैसा। आपकी तारीफ डॉक्टर कपूर। मैम साहब डॉक्टर कपूर आए। ओहो क्या मुसीबत है, एक से पीछा छुड़ा दूसरा गले पड़ गया। जाओ उन्हें बिठाओ, मैं भी आती हूँ। ओ तो आप अंदर भी आ गए, बैठिए। डॉक्टर साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी आती हूँ। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे? गुड इवनिंग मिस माला, वो अपने बिल्डिंग के डॉक्टर कपूर है ना, डॉक्टर कपूर, उन्होंने मुझे भेज दिया। क्यों? उनका एक काम निकाला है, उन्होंने कहा मेरी ये सीट बेकार जाएगी, तुम चले जाओ और मैं चला आया। अब आप यहाँ से भी चले जाइए। जी वो सीट आपको नहीं मिलेगी। क्यों? मेरी मर्जी। लेकिन मेरी एक छोटी सी मर्जी है कि मैं आपका डांस देखूं। आई लव इट। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरा डांस देखें। आई हेट इट। सेवन अंडर इनको अपन का एक ग्लास ला दो। मैं कहती हूँ फोन यहाँ सुना दो, खाना हो जाओ, वरना 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 सब फट जाएगा, खून बह जाएगा और देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप देखभाल का जिम्मा लें तो मैं कहती हूँ निकल जाओ, क्या देखते हो निकल जाओ। जाता हूँ मैडम। चलो भाई निर्मल कुमार, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकल। चुम मर गया हूँ, मर गया हूँ, मर गया हूँ। सॉरी मैडम। वाटर? यस सर। देवानंद परमानंद रहो प्यारे। सर सर तुम डांस देखने को आया था? आया तो था मगर टिकट नहीं मिला मेरे। पंतु अंदर तो गया था, बाहर भी आ गया, टिकट के बगैर ही अंदर गया था। सर सर हमारे पास एक टिकट है, हम तुमको देगा, तुम हमको क्या देगा? एक दिन था तुम्हारी मेम साहब को दे दिया और एक 5 रुपए का नोट रह गया, तुम्हें दे दूंगा। किधर गिर गया? ये रहा। ये ले। नहीं सर हम पैसा नहीं लेगा, लोग करने वाले से हम पैसा नहीं लेता। ओ मेरी बस सोच में फिर भी रख लो। अरे ये टिकट की कीमत नहीं, जो तुमने कहा उसका इनाम है। ले लो ले लो ले लो। हाँ ले लो। थैंक यू। बेस्ट बेटर। ला 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 ला।
लौट जा गरज है जहाँ इसमें उल्फत कहाँ आए इस राह में कितने ही कारवां लुट गए इश्क में लैला मजनू यहाँ हीर रांझा बने दर्द की दास्तां गरज है जहाँ इसमें उल्फत कहाँ लौट जा जमा
निकला। इंजेक्शन दे दिए होश आने पर दर्द जरूर महसूस होगा क्योंकि बोन फ्रैक्चर हो गई है। सुबह होते ही किसी बोन सर्जन के पास ले गई। और नो नो बंद अच्छे हो जाएंगे। आपने मुझ पर एहसान किया है। आप अपने आप अगर आपके साथ न बचा सकता
कदमों से धड़कते हुए छोड़ो बाहर निकलने की तमन्ना बना। मालूम होता है उस आग ने आपको काफी रोमांटिक बना दिया। उस आग ने नहीं, चलते फिरते एक छोले। अच्छा अच्छा ये शायरी फिर कीजिएगा। चलिए जल्दी तैयार कीजिए, मुझे आपको फोन सेटर के पास ले जाना है। फोन सेटर मर जाए तो वो मुझे वापस बिठा देता है। और अगर जगह से दिल धड़क जाए। अब आप तैयार होते हैं या नहीं? अभी दर्द होता बाबा? बिल्कुल। तो बस मजा करो, ठीक है? ले जाओ ले जाओ। शुक्रिया। Ah.
छू ले तो आवारा बादल महकने बहकने लगा है। तो फिर छेड़ दो दिल की दास्तां, सही चल न दे रात का क्या ठिकाना, इधर आओ जुल्फों में तुमको छिपा ले, कहीं देख ले तू न हमको जमाना, कहूँ हो तो दारों के दीपक बुझा दे। I'm very sorry, Mala. In Suruvi, she's still in Radha. Ask the chief that Mahan is here. Madla. पिताजी सादर प्रणाम, आशा है कि आप सब कुशल से होंगे। पिताजी मुझे मालूम है कि मैं किस खानदान का हूँ, पर यह भी जानता हूँ कि आज तक खानदान में किसी ने जात बिरादरी के बाद शादी नहीं की। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी ये बिनती सुनकर आपको बहुत दुख होगा और आप बेहद नाराज होंगे। पिताजी यकीन जाने माला एक बहुत शरीफ है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मुझे आपकी इच्छा और आशीर्वाद चाहिए पिताजी, अगर आप जा सकते तो उसे लेकर आप। आई एम रेडी। बंदा हाजिर है। Thank you.
जोकर तुमने कैसा जादुई किया, पिया पिया बोले मेरा छोटा सा जिया। जादूगर तूने कैसा जादुई किया, किया पिया बोले मेरा छोटा सा जिया। पति के रिश्तेदार उसे भी इसी तरह का जिस तरह के उसके पति को चाहती है। कैसी बातें कर रही हो माला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं माँ तुम्हें देखकर कितनी खुश हो। उन्हें तुम जैसी ही बहू की तरह जानती हो माला। मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा वो होगा जब माँ आगे बढ़कर तुम्हें गले से लगाएगी और अपने हाथों से तुम्हें मंगल की वो भी खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। खासतौर से
जब तुम घूंघट निकालो, शर्म और हया के पुतले बने हुए उनके चरण छो, बस मुझे मुनासिब समय के इंतजार से मारा ताकि मैं तुम्हें वहां लेकर जा सकूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो बड़ी तुम्हें अपनी बहू का दर्शन, आखिर मैं उनका बेटा, आखिर वो मेरा बेटा है दीवान जी, उसकी राय क्या पूछ, मेरे फैसले से उसे भला इनकार हो सकता है, फिर भी पूछ लेने में क्या हर्ज, पूछना क्या दीवान जी, बरते हुए हीरे कहीं कस्ती पर कसे जाते हैं, कौन है शहर में जो आपके खानदान को नहीं जानता, और फिर शोभा जैसी सलीके मन दुल्हन तो किस्मत वालों को देखती है, आप शादी पक्की समझ, मुझे आपकी बात का भरोसा है राय साहब, मैंने जो कुछ कहा वो आजकल के लड़कों की, दीवान जी मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, हमारी मर्जी को उसने हमेशा अपना धर्म समझा है, फिर वो जानता है अपने कितने दिन की मेहमान है, ऐसा ना कहिए भाभी, अरे भैया अपनी हालत में डॉक्टरों से ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ, कौन जाने या सांस की डोरी कब टूट जाए, अपनी ऐसी तमन्ना है कि अपने निर्मल को दूल्हा बने देख लेती और शोभा बेटी के हाथ में फंसा देता, बस दीवान के देख लेते, मैं तो हर तरह से तैयार हूँ भाभी जी, आपकी लड़की है जब चाहे ले आइए, तो फिर बात पक्की हो गई दीवान जी, हाँ अनिल अनिल, हाँ बाबू जी एक काम करो बेटा, मैं तो चार दे दो कि फौरन चलना है, शादी तब होती है, नहीं बेटा शादी का कोई फिक्र नहीं करो, उसे फौरन चले आने के लिए, ये खुशखबरी उसे यहाँ आने से सुनाएंगे, माँ माँ बड़े भैया की शादी होगी, हाँ हाँ बेटी तेरी चांद से शादी आएगी, शुक्र है भगवान, इतने सालों के बाद जब मैं फिर शादी की सिंचाई बजेगी, पहले बड़े सरकार को गोद में खिलाया था, अब उनके बच्चों को खिला दूंगा, देखा श्यामू ऐसे सोचे जैसे मेरे लड़के के लिए इसके लड़के की शादी हो रही है, क्यों न हो उसकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ है, बेटे से क्या कम है, देखो तो मेरा बेटा दूल्हा बने हुए कितना सुंदर लगेगा, अरे उस में से माय गॉड माफ करना मैम साहब, अपने समझा के लिए आप उनका ही फ्लैट है, हम सच बोलता हम रात अपने फ्लैट में सोए रहा, इधर कैसा है आप उनको नहीं मालूम, फिर भी आप उनका मिस्टेक है, सॉरी तुम इधर ही रहा था, हाँ मैं तो हर रोज गैस होता हूँ, हाँ रोज गैस होता हूँ, अभी समझा तो तुम सुबह उठ के अपने फ्लैट भी चला था, अरे क्या बकते हो ये तो आपका ही फ्लैट है, नहीं बस तो मगर माफ कर कदरो, यस सर ये है मिसेज निर्मल कुमार, यानी कि तुम्हारे देश की बीवी, यानी कि मेरी श्रीमपति, यानी कि वाइफ, ये शादी कब हो रहा है, यस्टरडे यानी कि कल, ओ वंडरफुल एक्जेक्टली, अब आप कल से प्याली चाय के बजाय दो प्याली चाय लाया करेंगे, ओके भी आए ना वो क्या अरे मेन साहब के सामने वाला क्या है और इसकी क्या फायदा, मतलब उनके आया हुआ मेले है ना टीचर बुला लेंगे, ऐसा ही बचेगा और फिर तंत्र भी हो गया, टेलीग्राम माला वंडरफुल, जिस दिन का इंतजार था वो आ गया, माँ का तार है माला, माँ का तार, उन्होंने मुझे फौरन बुलाया, लेकिन माँ को पता नहीं इस बार उनका निर्मल अकेला नहीं आएगा, क्या मतलब, मतलब ये है डार्लिंग के तुम भी मेरे साथ आओगे, बिल्कुल
ये तुम्हारी बहू है ना? हाँ माँ। माला आपकी रजामंदी ना ले। निर्मल मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। बाबू जी कौन ही है लड़की? किस खानदान से है? उसके माँ बाप ने लड़के वालों से पूछे बगैर इसका हाथ तेरे हाथ में दे दिया। ये सब कुछ मैंने ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ इतना चाहता है कि ये सलाहकार दुनिया में इसका कोई नहीं। कम उम्र में ही बेचारी के माँ बाप चल पड़े और ये तेज पर काम करके अपना गुजारा खुद कर दिया। पर तूने एक नाचने वाली की शादी की? बाबू जी राय बहादुर ईश्वर दास की बहू हुसैन का सौदा करने वाली एक बाजारी औरत। बाबू जी ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सिर्फ पाप की सजा मुझे मिलते ही है। आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? खामोश। सारी बिरादरी में दुनिया के सामने तूने मेरे मुंह पर पालक को और फिर भी नजर मिला के बात कर रहा है। तेरी गर्दन में झुक गई जरा से तू मर न गया। मैंने कोई शर्म की बात नहीं की बाबू जी, मैंने एक शरीफ लड़की से शादी। शरीफ का तू मतलब ही जानता है? अगर नहीं जानता तो सुन, शरीफ किसे कहते हैं? मैंने तेरी शादी दीवान चमनलाल की भतीजी शोभा से तय की थी। दीवान चमनलाल जिनका खानदान बच्ची की नाक है। शराफत खानदान से नहीं इंसान की सीरत से होती है बाबूजी। और सीरत तुझे स्टेज पर नाचने और थिरकने वाली सैकड़ों आवारा लोगों के सामने अपना हुस्न और जवानी दिखाकर पैसा लूटने वाली में मिली? जी नहीं, मुझे ये सीरत अपनी कला की मस्तूरी से इज्जत से जिंदगी गुजारने और अपने पसीने की कमाई पर जीने वाली मिली। शोभा का खानदान बस्ती की नाक सही, लेकिन शराफत में माला इंसानियत की नाक है बाबूजी। वो शोभा से किसी तरह कम नहीं। बाजी निकल जा, निकल जा। इस शर्म में तेरी सूरत देखना चाहता। आज से मेरा और तेरा कोई खबर नहीं। जायदाद में से तुझे कुछ कौड़ी नहीं मिलेगी। ले जा इस पाप की गठरी को अपने साथ, कर ले अपनी हसरतें पूरी। क्या चला जा। बेटा है और नहीं खान उसके लिए कुछ चला। क्यों नहीं, आखिर उसने ऐसा क्या पाप किया? जवानी के जोश में अगर भूल हो भी गई तो क्या उसे घर से निकाल देंगे? यकीनन, जिसे खानदान की लाज चारी नहीं उसे घर में रहने का कोई हक नहीं। तो वो हमारी औलाद है, हमारा खून है, कोई पराया नहीं। सोचिए तो इसके जन्म के लिए हमने देवी देवताओं से कितनी प्रार्थनाएं की थी। जब कभी बीमार हो जाया करता था तो आप छाती से लगाए सारी सारी डांट टाला करते थे। बचपन में तो हर खिलौना अपनी मर्जी से लाया था। समझ लीजिए आज एक और खिलौना अपनी मर्जी से लाया। बचपन और जवानी में बहुत फर्क है, लेकिन ये खिलौना तोड़े जाने के लिए नहीं, घर की सजावट के लिए लाया गया है। घर के काबिल नहीं, इस खानदान के लायक नहीं। इस बार तुम्हारा बेटा खिलौने के धोखे में बिच्छू एक नागर उठा लाया। क्या बात की मोहब्बत में हम इतने अंधे हो जाए
तो फिर बच्ची और नागन से खेलने दे। आप नहीं, उसका घमंड तक नहीं होकर आपसे खेलवा रहा है। दुनिया बहुत बदल गई है ना, आज हम अपनी औलाद की किस्मत के मालिक नहीं, अपनी जिंदगी बनाने बिगाड़ने का उन्हें खुद अधिकार है। लेकिन दूसरों की जिंदगी बिगाड़ने का इन्हें कोई अधिकार नहीं। तुम्हें कभी ये भी सोचा, लेकिन तुम्हारी ऊंचा चौहान कौन शरीफ आदमी इसका हाथ थामेगा, जिसका भाई एक बाजारी और उठा कर लाया। ये एक ऐसा शोला है जो घर को जलाकर राख कर देगा, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। ये कठोर न बनो नाज, साथ से तुम्हें माँ की ममता का अंदाजा होता है। माँ की ममता तुम्हारा दिल कमजोर कर सकती, मेरा नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है, निकल जाओ यहाँ से। का आएगा मजा।
पर सोचा कितना अच्छा होता, थोड़ा पहले हो जाता तुम मेरा लेडी। कितना सुंदर सपना घर बस जाता अपना, फिर हम मम्मी हो जाता तुम होता लेडी। मगर हम तो बहुत पहले से ही था रेडी। तुम साया हम लाए, होता तुम यू और राय, अब बैंक पर रोमांस का आएगा मजा। अब साला तुम भाई, अब अपना है डे नाइट, अब गैंग का रोमांस का आएगा मजा। I'm sorry sir, अपन का कोई मिस्टेक नहीं है, ये मेरे हमको फंसाया है। हम तेरे को फंसाया? हाँ तुम मेरे को फंसाया, अपन के शादी का आइडिया नहीं था। तो ये क्या किया, शादी किया ना? मैरिज। मैरिज बहुत अच्छा किया पेड़ो तुमने, बहुत अच्छा। अरे गरीब आदमियों का तो यही दस्तूर है, खाली लव मुझसे लगन भी करते हैं। अगली बार बड़ी पहला तुम हमारा शादी का मीठा नहीं करो, साफ सुन दी तू भी भोर रहे। गाने की कोई बात नहीं दीवान जी, मैं आज ही अपने वादे तक आया हूँ, जो भाई जी घर से बहु बन कर आए थे उसी घर से शोभा बन के आया है। आपको शादी के बाद सबके मैं आज ही पंडित को बुलाकर शादी की सुंदर ही करूँगा। मुझे जाने दूसरा बनती न देख सकती, लेकिन अमीर दूल्हा बनने वाला है, आज के तुम से देख सब तुम्हारा है और हरी कितने लोग इस पर तुम्हारा पति है, मैं हूं और ये दिन मां की बच्ची इच्छा, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत से बहुत मुझे पूरा यकीन तुम्हारी मां का प्यार है और ये इस घर का सबसे पुराना मुलाजिम काम है। इसकी हैसियत कभी किसी परिस्थिति से कर ले, आज तुम्हें सब तुम्हारी है और तुम्हें जाओ तुम दोनों आ रहे आपको इंटरव्यू के लिए वक्त पर पहुंचना है। अरे नाकामी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जहाँ तुम जैसी देवी मौजूद हो वहाँ कामयाबी हाथ जोड़े आती है।
मेरे सारे कपड़े कहाँ गुम हो गए हैं? कहाँ है शोभा? ए शोभा, अब उम्मीद करती रहूंगी या उठूं दीदी? मुझे बहुत नींद आ रही है, सवेरे से क्यों जगा दिया? सवेरे से मेल साहब 10 बज चुके हैं। 10 तो क्या हुआ? तुम मेरी टाई निकाल के दो, उसके बाद सो जाना, मुझे मिल जाना है। मुझे मालूम नहीं शाम को बुला के क्या तुझे चाहता है कि बस होती रहे? ये दिन ही बेफिक्री के, इंसान इस उम्र में नहीं सोएगा तो क्या बुढ़ापे में सोएगा? अरे हाँ, मैं पूछना भूल गई, आज तुम क्या कर रहे हो? मैं निगम बैठ कर दिया। क्यों, क्या बात? कोई खास बात नहीं पता, मैं जरा शॉपिंग को जा रहा था। नेताजी के साथ मिले? कोई बात नहीं, मैं अकेले यार। नाश्ता कर चुकी? चिंता करने के लिए। हाँ सामने पाता, मैं तो कब से तैयार हूँ। क्या बात, देखा क्या हमारी बेटी को स्कूल का कैसा था। बहू राजी, वाह वाह, क्या क्या खरीद लाई? देखिए तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये देखिए, रियल नायलॉन साड़ी, पता है इसकी क्या कीमत है? क्या कीमत है? 300 रुपए। लेकिन मैं एक दर्जन दे रही थी, इसलिए मुझे 250 मिले। वाह, ये चीज तुम्हें बहुत पसंद आई, जानते हो इन हीरो की सेटिंग पैरिस में की गई। तो कोई पैरिस में पहनता तो अच्छा लगता। हाँ जी, सॉरी शोभा, लेकिन ये सारी चीजें जो तुम खरीद लाई हो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है, फिर ये फजूल खर्ची क्यों? सुना पता, ये कोई फजूल खर्ची नहीं है बेटा, यही तो उम्र शौक पूरा कर देगी, भगवान का दिया सभी। अगर दो चार चीजें बे जरूरत की आ गई तो क्या है? सुना जी, और फिर ये सारी बातें उस वक्त तक होती हैं जब तक भगवान ने कोई खिलौना नहीं दिया। यहाँ बाल बच्चा हुआ वो सब ये भूल कर माँ की जिम्मेदारी में लग गया। क्यों, ठीक है ना बेटा? आप भी कैसे बातें करते हैं, मुझे तो शादी से नफरत है, बच्चे की पैदाइश औरत की सुंदरता को हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। मुझे तुम्हारे ख्याल बिल्कुल पसंद है, घर की कम से कम तुम्हें कुछ मेरा ख्याल करना चाहिए। शाम हुई तुम तुम्हें क्लब या सिनेमा चले गए, अब मैं क्या बिल्कुल कर रहा।
लगा रखा है, तू बैठ जा, अगर कुछ होगा तो बताएगा। कुछ होगा ही? मुझे तो बाबा चाहिए बाबा। अपन गांव को बहुत प्रार्थना किया है। थोड़ा और प्रार्थना। Thank you.
पानी मार के फिर चलिए मुझे देर हो जाएगी। ऐसा करो वापस आके कर लेना ना। अच्छा चल। बाबा डैडी बाबा भैया कामो कहाँ जा रहे? बिटिया को स्कूल पहुँचाने। और मैंने क्या कहा था? बिटिया को देर हो रही। मेरा काम अधूरा छोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने सोचा था बारिश की तो इतनी जल्दी तो है नहीं, फिर आके कर दूंगा। और फिर आपके पास तो और भी चप्पलें थे। तुम्हें इसे क्या? मैंने जो कहा था क्यों नहीं किया? मैंने कब इनकार किया है बहुरा जी, लेकिन बिटिया की पढ़ाई से बारिश तो ज्यादा जरूरी नहीं। मैं देखती हूँ इस घर के नौकरों को सर पे चढ़ा के रखा जाता है, कभी तो ये हाल है। बस जात अपनी असलियत भूल गया है। मैं अपनी असलियत नहीं भूलूंगी बहुरा जी, मैं अपनी असलियत खुद जान तुम्हारा। मेरा तो सही है, शायद तुम्हारा नहीं जो नौकरों की तरफ से बोल रहे हो। अब या तो शाम इस घर में रहेगा या मैं। तो फिर इस घर में शाम ही रहेगा। छोटे से कहा ये आप क्या कह रहे हैं? बहुरानी तो इस घर की इज्जत है। मैं खैरम होकर मुझे धक्के मार कर भी निकालने को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं सकता कि जो सरकार मेरी खातिर ये नहीं हो सकता, मैं ही चला जाता हूँ। बाबूजी जामू दादा जा रहा है। बाबूजी रोकिए, बाबूजी रोकिए, बाबूजी जामू दादा नहीं जाना। तुम नहीं जा सकते जामू।
बाबूजी की बेजा मोहब्बत समझ गई। न वो तुम्हें सर पर चढ़ाते न आज तुम इस तरह शामू का वो घर से जमीन करके निकालते। तुम्हें शामू की जिल्लत का ख्याल है लेकिन मेरी जो जिल्लत हुई इसकी काई से करनी है। मालूम होता है इस घर की बहू से ज्यादा नौकरों की इज्जत होती है। आपकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है, उनकी तबीयत ठीक होने दीजिए फिर आप उनसे मिलते हैं। मेहता जी, राय साहब की बीमारी और उसके साथ ही कारोबार को दिक्कत हो क्या जानकर भाई भगवान कसम हम लोगों को तो बहुत ही दुख हुआ है। लेकिन क्या करें, आप तो जानते ही हैं कि पैसों की अदायगी की मुद्दत अब खत्म हो चुकी है और हम लोग ठहरे व्यापारी आदमी। मैं अपने इन सब भाई लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे ये कहने पर मजबूर हूँ कि हम लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें राय साहब का जवाब चाहिए। नेताजी अच्छी बात, आप लोग यही करिए, मैं अभी उनसे मिल गया। अब तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जान है तो जहान है। मेहता जी क्या बात है? जी जी कहिए कहिए जी। वो लाला किशनदास, सेठ विशनदास और सेठ राम प्रसाद और दूसरे सारे। ओह, उन्हें खबर हो गई? जी मालिक, वो सब रुपए का तकाजा कर रहे। कल तक जिन्होंने शक्ल नहीं दिखाई वो आज हमारी बर्बादी की खबर सुनकर घर घेर कर खड़े हो गए। शराफत ही होती है जमाने, जिन हाथों से लाखों कमाए आज उन्हें बेड़ियां पहनाने को तैयार। उनका कसूर नहीं मेहता जी, ये दुनिया की रीत है, उन्हें दोष देना बेकार है। आज दुनिया जानती है मैं कंगाल हो चुका हूं, फिर उन्हें अपने पैसे की फिक्र क्यों न हो। उनसे कह दीजिए ईश्वरदास किसी का कर्ज अपने सर पर लाद कर दुनिया से नहीं उठेगा। उनकी एक एक पाई उन्हें चुकानी चाहिए, चाहे इसके लिए उसे रास्ते का भिखारी क्यों न बनना पड़े। राय साहब जाइए, मेरी जायदाद की एक एक ईंट बेचकर उनका कर्ज चुका दीजिए। ये क्या कह रहे हैं राय साहब? बाप दादा की जायदाद अपने हाथों बेचिए। जायदाद तो जायदाद, किसी का कर्ज चुकाने के लिए मैं अपनी चमड़ी तक बेच सकता हूँ। राय साहब, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। आपका कर्जा मेरा कर्जा है, मैं आपकी हर मदद के लिए तैयार हूँ। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन एक कर्ज उतार कर मैं दूसरा कर्ज करूँ ये मेरे उसूल के खिलाफ है। जाइए मेहता जी, वो लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। जाइए, इंतजार कर रहे होंगे वो लोग, जाइए।
सोचा था इस घर से मेरी अर्थ नहीं, लेकिन भगवान को मन अब तक तुझे देख सकू मैं नहीं, तुझे मेरा आखिरी करना है। प्यारा बंगला है, पसंद आया? बहुत। ए पैदा देख देख इतना नाइस बंगला बनेला है रे। यही बंगला देख के मरुम अंकल साइकिल बोलेला है। क्या बोलेला है? एक बंगला बनेला है न्यारा, इसमें फैमिली रहेगा सारा। एक बंगला बनेला है न्यारा। आओ पप्पू आओ, चल अच्छा जाना है, जरा उठ के एक प्याली चाय तो बना दो। ओह यहाँ तो सोना भी मुश्किल है, होटल में पी लेना, मुझे आराम करने दो। भैया लो भैया चाय पी लो। उषा तुम इतने सवेरे कैसे उठे? भैया मुझे मालूम था तुमको आज नौकरी ढूंढने जाना है। जल्दी चाय पी लो, तो ठंडी हो जाएगी। अनिल। हाँ बाबूजी। पैसे की बात मेरी फिक्र छोड़ दो बेटा, जो जीते हैं उनकी फिक्र करो। बाबूजी इन गिरती दीवारों में और मुझ में कोई फर्क नहीं, ये भी धरती पर बोझ है और मैं भी। लेकिन बेटा बेटा तुम जवान हो, अगर हिम्मत से काम लो तो गए तुम फिर लौट सकते हैं, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, बहू के लिए, मेरी उषा के लिए। इन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत है बेटा। अब चिंता नहीं कीजिए बाबूजी, अब आराम से लेट जाइए। मैं एक नौकरी के लिए जा रहा हूं, अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए आइए। नमस्ते श्रीमान। नमस्ते जैसी सके। आपका शुभ नाम? जी पंडित बेकार बेकार पैदाइश जी वो तो हो चुकी। हो चुकी है? आपकी उम्र? जी मेरे हिसाब से 25 साल। और क्या? और बीवी 50 कहती। टाइपिंग आती है? टाइपिंग पूरा टाइप 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 राइटर। जी हाँ जी हाँ, वो तो आपकी सूरत से जाहिर है। आप जा सकते हैं। तो फिर दर्शन कर दूं श्रीमान? जी मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान धन्यवाद। आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, दर्शन रखिए। शुक्रिया। इससे पहले कहाँ काम किया? इंडियन ट्रेडिंग कंपनी। टाइपिंग जी आती।
फाइलिंग ये सर सर्टिफिकेट जी क्या हुआ मिस मैन इनके अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कर दीजिए नौकरी के लिए चुनाव हो चुका है अब आप लोग जा सकते हैं लेकिन बात यह है कि आज मेरी वाइफ के डांस का प्रीमियर शो है और मेरे बच्चों का अपनी मम्मी को स्टेज पर देखने का बहुत शौक है आई थिंक देयर इज नथिंग मच इंपॉर्टेंट पेपर टू बी साइन ओके गुड बाय बेस्ट ऑफ लक थोड़ी ठंड के चलूं मैं जब तन के राह कोई
गोपाल ने आई थी। अभी अभी तो तुमने कहा था ना कि बाबूजी की दवा के लिए रुपए नहीं है। शाबाश बहू, शाबाश। माँ का फर्ज खूब अदा कर रही हो। मुझ पर जहाँ तुम्हारी और मेहरबानियाँ हुई हैं, ये मेहरबानी भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। हैरत है, इसे डांटने के बजाय आप मुझे दर्द दे रहे हैं। तुम्हें नहीं बहू, अरे मैं तो ये अपने भाग को दोष दे रहा हूँ। ये तो मेरे ही भाग थे जो तुम्हें बहू बना के घर लाया। खूब, आपकी बेटी की चोरी पकड़ी गई, अब मुझमें कीड़े पड़ गए। बर्दाश्त की भी हद होती है, मुझे कुछ कहने पर मजबूर न कीजिए। जी खोल कर कहो बहू, तुम्हारी जबान तो कोई नहीं रोक। कम से कम आप नहीं। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे 10 गुना ज्यादा मैं आप सबके लिए कर चुकी हूँ। अपनी सारी पूंजी लुटाई, बदन पर का एक एक गहना बिक गया। अब आप क्या चाहते हैं? आपके खातिर अपने आप को भी बेच दो? खुदगर्जी की हद होती है। आज इतने दिनों से पलंग पर पड़े पड़े मुफ्त की रोटी मिल रही है, लेकिन कोई एहसास नहीं। और कोई होता तो कभी का मुझे घर से निकाल देता। बस करो बहू, बस करो। मैं समझ गया, मैं अपने कारण अपनी कोई दुख नहीं दूंगा। अब मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा बहू। सिर्फ जाने से पहले इतना कहूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे, सुखी रखे। मुझे क्या मन? क्या आपसे अभी उठ के न जाने कहाँ चल गई? मैंने बहुत रोका पर न मानी। तुमने उन्हें जगड़ के निकाला है, बोलो क्या बात हुई, कहाँ है वो? क्या मुझे मालूम है, बहुरानी से जगड़ने से क्या फायदा, वो अभी बहुत दूर नहीं गए। चलो चलिए, उन्हें कुछ होना चाहिए। बनाया था अपने हाथों, उस
किसी को अब क्यों मिटा रहा है तेरे समंदर में क्या कमी थी कि आदमी को रुला रहा है नहीं बेटी, तुम्हारे बाबूजी के पास मैं रहूंगी। जाओ जाके आराम से सो जाओ। जाओ पेड्रो। यस मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत शरीफ घराने के हैं। शायद इन बेचारों पर बुरा वक्त आ पड़ा है। मेरा भी यही आइडिया बोलता है। कैसी है बाबूजी? बेटी, ये मिनी का मकान है बाबूजी, जिनके मोटर के नीचे हम आ गए थे। आप बेहोश हो गए और वही आपको उठाकर यहाँ लाए। डॉक्टर को बुलाया और रात भर जाकर आपकी देखभाल की। बाबूजी, वो बहुत अच्छे हैं। बेटी, अगर भगवान इंसान के रूप में गरीबों की मदद न करे तो ये तो कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाए। हमें भी सहारा देने वाली कोई देवी है जिसने औरत के रूप में जन्म लिया है। सब कैसी तबीयत है? अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं? मेरे लिए आपको उठने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से लेटे देखिए। बेटी, तुमने जो मुझ पर एहसान किया है इसका बदला मैं कभी नहीं अदा कर सकता, लेकिन भगवान जरूर करेगा। मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया वो इंसानी फर्ज था। वो इंसान ही क्या जिसका दिल किसी का दुख देखकर तड़प न उठे। जीती रहो बेटी, कितना प्यार है तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए। जब परायों पर तुम इतनी मेहरबान हो तो अपनों के लिए क्या कुछ होगी। बड़ा खुश नसीब है वो जिसकी तुम बेटी हो, पत्नी हो, बहू हो। मेरी तरफ से उस इंसान को मुबारकबाद दे देना जिसका घर तुम्हारे तन से रोशन है। अच्छा बेटी, अब
मुझे इजाजत दो। आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ किस्मत ले जाए। नहीं, मैं आपकी खाला की हरकत नहीं जाने दूंगी। नहीं बेटी, मुझे जाना ही पड़ेगा। आप कहें तो मैं आपके घर वालों को खबर कर सकती हूँ। घर वाले? इस बच्चे के सिवा मेरा कोई नहीं। तो फिर आप हरगिज नहीं जा सकते। मुझे मजबूर न करो बेटी, मैं तुम्हारी मेहरबानियों का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। अच्छी बात है, कम अज कम पूरी तरह ठीक तो हो जाइए, ठीक चले जाना। अब मम्मी का ख्याल क्यों नहीं मानते? ओहो, ओहो, आप अपने मम्मी का कहना मानते हैं? हाँ। अच्छा भाई, चलो हम भी मान लेंगे, कितना प्यारा बच्चा है। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी को नहीं देखा, कहाँ गए? पुणे गए हैं। क्या नाम है उनका? बेटी, जब इनके डैडी हैं मुझसे जरूर मिलाना, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जरूर मिलाऊंगी। यस मैडम, अभी आप ये दूध पी के आराम से लेट जाइए। आओ पप्पू, तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया। नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अच्छा बेटी, मकान और फर्नीचर से ज्यादा आपकी तबीयत पसंद है। तुमने तो पूरी दावत कर दी, तो नहीं है शोभा?
तुम तो अपने पतिदेव को अपने हाथ के इससे भी अच्छे खाने पका के खिलाती होगी। क्यों? अरे अभी तो कुछ लिया नहीं। कितने प्यारे थे वो कॉलेज के दिन शोभा। अगर तुम टिकट थी तो सालाना इम्तिहान थी और अब तो हर दिन इम्तिहान है। तुम्हारे लिए सही हो ना हो लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल सही। मेरे लिए क्यों? तुम्हारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। काश मुझे जिंदगी में यह सब होता। क्या तकलीफ है तुम्हें? सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है माला कि उनकी नौकरी कहीं नहीं लगती। अगर ये तकलीफ दूर हो जाए तो बाकी सब तकलीफें आपसे दूर हो जाती। फिक्र मत करो शोभा, वो पुनः से आ जाए मैं उनसे कहूंगी, वो सर उन्हें बात अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं शोभा, अब हमें चलना चाहिए। तुमसे तो मुलाकात हो गई माला, बड़ी खुशी होती अगर आज तुम्हारे पति ही होते। मैं जानू क्या बात है, आज तुम्हें आ जाना चाहिए था, उन्होंने तुम दोनों से मिलकर बड़ी खुशी होती। कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट। शोभा रात बहुत हो गई, अब हमें चलना चाहिए। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करती शोभा, तुम दोनों आज रात को यही ठहरते, कल सुबह तक वो भी आ जाएंगे और उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है नहीं बाबू? ठीक है, मैं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आज माला का आइडिया तो बुरा नहीं है। मुझे तो नींद आ रही है, इस वक्त घर तक जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे भी तुम्हारा ही घर है शोभा, चलो चलकर आराम से सो जाओ, कल सुबह तक वो भी आ जाएंगे। बाबा
अरे टाइगर बोलता क्यों नहीं, कौन है? मैं इसे भी समझ लेती थी। क्या शोभा,
जाओ। मैंने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला, तुम ब्यास्ता से तुम्हें आसरा दिया, और तुमने मेरी लेके का ये सिला दिया। चेहरे से तुम शरीफ लगते हो और बातों से खानदानी। मुझे नहीं पता था कि शरीफ सूरत के पीछे एक लुटेरा और इन बातों के आड़ में डाकू जल्दी से आया है। क्या जरा देखिए, उस दिन मैंने ताबीत मैंने नौकर रखा था, आज रात मेरे जीवनी से भाग रहा था। उसे मारना कितना नहीं है, बहुत बुरा है, हम उसे निकाल देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या सुने दे, ये पाप करने वालों का एक ही नाम। क्यों जबान के तेज मालूम होते हो, कब से चोरी करते हो? कई सालों से। बहुत खतरनाक चोर मालूम होते हो, बहुत खतरनाक। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे वापस सुनकर मैं तुम पर भाग करके छोड़ दूंगा? ले दो, ले जाओ इसे पुलिस। मुझे क्षमा कर दीजिए, आप इंसान नहीं देता है बाबू जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। चोरी आपने नहीं, चोरी मैंने की थी, चोर मैं। सुन लो सब लोग, चोरी मैंने की है, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, चोरी मैंने की है। बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे माफी से मुझे मानना चाहता हूँ राय बहादुर बनकर, मैंने तुम्हें खोया था, इंसान बनकर आज सबको पा लिया। नकली हीरे खोकर आज मुझे असली हीरे मिल गए। तुम बाइक अब अपना है, डे नाइट अब डांस करो।